9 और 10 में जो क्वेश्चंस आता है ग्रामर पोर्शन से, उसमें एक क्वेश्चन आता है उसको एडिटिंग कहते हैं, वो निश्चित रूप से रहता है। एडिटिंग में दो तरह का क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन रहता है जिसको कि एरर फाइंडिंग कहते हैं। वो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, देर इज वन एरर इन ईच लाइन, यू हैव टू फाइंड आउट द एरर एंड टू गिव इट्स करेक्शन। या फिर दूसरा रहता है कि हर लाइन में, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये एरर फाइंडिंग का है कि हर लाइन में एक एरर है, एक भूल है, एक वर्ड कहीं गलत है, आपको उसको देखना है सेंटेंस को और फिर उसमें से उस गलत वर्ड को, उस एरर को छांट कर यहाँ पर एरर का स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर लिखना है कि ए में, लाइन ए में एरर क्या है और फिर उसका करेक्शन क्या होगा, क्या होना था, क्या लिखना था, नहीं लिख के और क्या लिख दिया, जो गलत लिख दिया उसको एरर के सेक्शन में रखेंगे और जो सही होना चाहिए उसको करेक्शन के सेक्शन में रखेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये 4 नंबर का होता है। और दूसरे तरह का जो एडिटिंग में आता है वो रहता है मिसिंग वर्ड। उसमें क्या है कि पूरा एक लाइन दिया हुआ है, हर लाइन में एक वर्ड मिसिंग होता है, कोई वर्ड है जो छूट गया है, आपको पूरे लाइन को पढ़ के समझना होगा कि वो मिसिंग वर्ड कौन सा है और वो कहाँ पर डालना है। तो जहाँ पर डालना है तो द वर्ड दैट कम्स बिफोर एंड द वर्ड दैट कम्स आफ्टर ऑल्सो शुड बी मेंशन, अर्थात जहाँ पर वो मिसिंग वर्ड रहेगा उसके पहले जो वर्ड आया है वो वर्ड लिखना है, फिर मिसिंग वर्ड लिखना है और उसके बाद जो वर्ड आया उसको लिखना है। वो 3 ऑप्शन रहता है, वो 3 स्पेस रहता है, ब्लैंक रहता है हर लाइन के आगे, उसी ब्लैंक नंबर, जो एग्जैक्ट ब्लैंक नंबर है उसमें डालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कुड नहीं होता तो क्या देते, गांधी जी लीड ए वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ, तो इसको क्या करते कि गांधी जी कुड लीड, द वर्ड दैट कम्स बिफोर गांधी जी, द वर्ड दैट कम्स आफ्टर लीड, यहाँ आंसर लिखने में तब क्या करते हैं कि गांधी जी, उसके बाद कूड को अंडरलाइन कर देते और लीड लिखते। ये दूसरे तरह का है। अभी हम पहले तरह का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर रहे हैं, एरर फाइंडिंग की। इस तरह का क्वेश्चन 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ये रिगार्डिंग योर मॉडल ऑक्सिलरी द क्वेश्चन इज गिवन टू यू टू सॉल्व इट। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो भी एरर है वो रिगार्डिंग मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल का एरर है, यानी गलत मॉडल्स का यूज कर दिया गया है, उसको फाइंड आउट करना है और सही मॉडल्स डालना है। अब इसको बनाएं कैसे, तो आप देखिए गांधी जी कूड लीड ए वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ, ये कूड का यूज अगर आपके ध्यान में है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ गांधी जी क्या करते थे, बहुत डिसिप्लिन्ड जीवन जीते थे। ये पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्टिविटी शो करता है और ये कौन सा मॉडल शो करता है, ये करता है वुड, ये कूड नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये कूड गलत पड़ गया था, यहाँ पर वुड पढ़ना चाहिए था, एरर के सामने में यहाँ पर लिखिए कूड और इसके करेक्शन में लिखिए वुड। अब बाकी का ये 3 जो है बी सी और डी, इसको आप खुद करके देखिए। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि आपने इसके पहले मॉडल्स, सारा मॉडल्स का जो यूज़ है वो आपने देख लिया है, आप उस मॉडल्स के यूज़ को देखते हुए आप एक बार फिर से उसको पढ़िए। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें माइट, इसका मतलब ये गलत होगा, तो फिर इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, माइट क्यों नहीं होगा। जब मॉडल्स के माइट के यूज़ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ माइट नहीं होना चाहिए और होना क्या चाहिए, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर माइट डालेंगे, यहाँ पर उसका करेक्शन डालेंगे। इसी तरह से इसमें देखिएगा, ये शुड, ये गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर डालेंगे शुड को, यहाँ पर डालेंगे करेक्शन उसका, यहाँ डालेंगे ही रोट ही कूड यूज, यहाँ पर ये कूड गलत है, आप कूड की जगह पर जो सही होता है उसको करके देखेंगे। इसके लिए आपको मॉडल्स को एक बार फिर से रिव्यू करना होगा, यूज ऑफ डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरी यू शुड रिव्यू देम, यू मस्ट रिव्यू देम, आई कैन से यू मस्ट रिव्यू देम एंड आफ्टर दैट ट्राई टू डू द एक्सरसाइज गिवन टू यू ऑन द ब्लैक बोर्ड। Now, just I am leaving it for you. You have to do it. Do it and send to me to see. Thank you.